एवरीवन, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 ऐसे वर्ड्स के बारे में दैट आर गोइंग टू मेक यू साउंड स्मार्टर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. हम जनरली जब लोगों से बात करते हैं इंग्लिश में या फिर लेट अस से हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड में, सो व्हाट वी फॉरगेट इज दैट इन ऑर्डर टू साउंड स्मार्टर और मोर इफिशियंट और मे बी मोर कॉन्फिडेंट और मे बी बेटर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमें वो जो कॉमन वाली वोकैबुलरी होती है ना उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए जो कि एक्चुअली इतने टफ भी नहीं होते. सुने शायद आपने होंगे बट आप अभी उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं. एंड लेट्स ट्राई टू लर्न दोज वर्ड्स विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. द नंबर वन वर्ड इज ककॉफनी. What is the meaning of cacophony? When there's a lot of chaos and noise, so a very loud disturbance is called cacophony. Now, cacophony nahi padhna, it is cacophony. Okay? And what will be the example sentence? So, jaise ye awaaz aayi aapko background mein, bahut sare horn ki and honking ki, iske case mein hum example de sakte hain. Since there's a lot of traffic outside, that is why the cacophony. क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इसलिए ये ककॉफनी है यानी कि लाउड नॉइज है. द नेक्स्ट वर्ड दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है पर हम बस ये नहीं जानते थे कि इसका नाम क्या होता है. इस वर्ड की स्पेलिंग देखिए, ENNUI. इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एनुई या एनी अदर वे, NUE एटसेट्रा? नो, द प्रोनाउंसिएशन इज अ लिटिल डिफरेंट. तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ONNUI. ONNUI का मतलब होता है जब हमारे पास करने को कुछ नहीं है और इस कारण से हम लोग बहुत आलसी और बहुत ज़्यादा यू नो बोर्ड फील कर रहे हैं. सो ड्यू टू लैक ऑफ वर्क व्हेन वी आर फीलिंग बोर्डम एंड मे बी लेजीनेस, दैट पर्टिकुलर थिंग, इस स्थिति का नाम होता है ONNUI. सो व्हेन समबडी यू नो आस्क यू, अरे तुम्हारा दिन कैसा गया, और उस दिन आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो आप कह सकते हैं वेल एट द एंड ऑफ द डे आई कुड फील अ लॉट ऑफ ONNUI, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा ONNUI को महसूस कर सकती थी. एक और ऐसा वर्ड जो कि अगेन हमने एक्सपीरियंस ज़रूर किया है बट हम यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी सारी इमोशंस बहुत ज़्यादा यू नो बढ़ जाती हैं. सो हम कहना चाहते हैं दैट यू नो वी आर फिल्ड विद इमोशंस एंड देयर फोर हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. तो ऐसे केसेस में आपका वर्ड होता है अक्वेवर. आप स्पेलिंग देख सकते हैं और उसको सेंटेंस में कैसे यूज करें, आई एम सो हैप्पी फॉर द मैच टुमारो, आई एम अक्वेवर विद एक्साइटमेंट, यानी कि आई एम फिल्ड विद द इमोशन ऑफ एक्साइटमेंट. वेल द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज ग्लिब. आप लाइफ में ऐसे कितने लोगों से मिले हैं, इसका मीनिंग सुन लीजिए और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. बहुत से लोग होते हैं ना यार जिनको बातें करना बहुत अच्छे से आता है पर उनकी बात में कोई सिंसियरिटी नहीं होती है, यानी कि बड़ी बड़ी फेक सकते हैं. कुछ लोगों का नाम तो शायद ऑलरेडी आपके दिमाग में आ चुका होगा, एक दो का मेरे दिमाग में भी आ गया है. लेकिन ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ग्लिब, GLIB. एंड हाउ डू यू यूज़ इट इन अ सेंटेंस? फॉर एग्जाम्पल, He thought he was able to impress everybody, but I could see that he was being too glib. But मुझे दिखाई दे रहा था कि भाई जो है बहुत ज़्यादा smooth बनने की कोशिश कर रहा है पर इसकी बातों का कोई मोल नहीं है या मूल्य नहीं है. Well, the next word that we have is umbrage. Again, आप pronunciation देखें, आप spelling देख लें and then इसका pronunciation सुन लीजिए. It is umbrage. जैसे आप कहते हैं ना umbrella, कुछ वैसा ही शुरू हो रहा है. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जब भी हम एक गुस्से की, इरिटेशन की, अनोयंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आप अनोयंस की जगह, इरिटेशन की जगह या ऑफेंस की जगह, हम कहते नहीं है यार मुझे तुम्हारी बात का बुरा लग गया, आई हैव टेकन ऑफेंस ऑफ योर स्टेटमेंट, तुम्हारी बात का हमने दिल पर ले लिया, ऑफेंस ले लिया. तो उसी की जगह आप कह सकते हो अम्ब्रिज. और फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी I don't take umbrage at the trolls comment, यानी कि ये जो यूज़र नेम के पीछे छुपकर बातें करने वाले लोग होते हैं इनके कॉमेंट को मैं दिल पर नहीं लेती या मैं ऑफेंस नहीं लेती हूँ. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज वमूज. अगेन आप स्पेलिंग देखिएगा एंड वमूज जो है एक्चुअली थोड़ा सा फनी साउंड करता है और काफ़ी कूल वर्ड्स के गैंग में फिट हो जाता है. तो पहले हम कहते थे ना जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, फटाक से कहीं से निकल जाना, टू लीव हरिडली. अब जैसे मैं तो एग्जाम्पल यही दूंगी, द मोमेंट आई स्पॉट अ लिजर्ड
आई वमूज क्या होता है कि जैसे ही मैं एक छिपकली देखती हूँ मैं फटाफट वहाँ से गायब हो जाती हूँ. तो टू लीव हरिडली इज इक्वल टू वमूज. द नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्विटस. यूबिक्विटस का भी प्रोनंसिएशन सुन लीजिए एंड डोंट कॉल इट यूबिक्विशस. इट इज यूबिक्विटस. यूबिक्विटस का बहुत ही सिंपल मतलब होता है कोई चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह आपको दिख जाएगी, मिल जाएगी. सो मेरा जो सबसे पसंदीदा एग्जाम्पल होगा इस केस में, दैट इज गोइंग टू बी नाउ अडेज टीनेजर्स विद कैमराज आर यूबिक्विटस बिकॉज एवरीबडी इज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. तो आजकल भैया जो टीनेजर्स हैं कैमरा के साथ हर जगह मौजूद हैं क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहे हैं. वेल द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज नेफेरियस. नेफेरियस देखो, एक होता है बुरा इंसान, फिर होता है बहुत बुरा इंसान, और फिर आते हैं रावण के लेवल के लोग. क्या करते हैं भैया, मतलब किसी की बीवी पर बुरी नज़र डाल देना, किसी की हत्या कर देना, अच्छे लोगों को परेशान करना, बहुत ज़्यादा दिमाग विमाग सब होने के बाद भी बहुत सुपर डुपर विलन होना, राइट? तो छोटे मोटे बुरे लोगों को तो हम कहते हैं बैड पर्सन, ईविल पर्सन, विकेड पर्सन. बट तुम्हें जब कोई वोल्डेमॉर्ट लेवल का बुरा मिल जाए ना, तो तुम उसे क्या बोलोगे, नेफेरियस. और इसके एग्जाम्पल पर मैं कह सकती हूँ द वे ही इज मैनेजिंग हिज एम्प्लॉयज इज जस्ट नेफेरियस. कुछ लोग होते हैं ना, तुम खाना नहीं खा सकते, तुम ब्रेक नहीं ले सकते, तुम छुट्टी नहीं ले सकते, ये होते हैं असलियत में कलयुग के क्रूर लोग, नेफेरियस लोग. वेल द नेक्स्ट वर्ड इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. इट इज कैप्रिशियस. कैप्रिशियस मत बोलिएगा, इट्स कैप्रिशियस. अभी क्या होता है कि आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स हो या आप लोगों के बॉयफ्रेंड्स हो तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है, और कभी कभी हस्बैंड्स अपनी वाइफ के साथ भी एक्सपीरियंस करते हैं और वाइफ अपने हस्बैंड्स के साथ. नाउ व्हाट इज़ द वर्ड, इट्स कैप्रिशियस. क्या होता है भैया, लोगों के मूड ऐसे बदलते हैं. हाँ, आज तो मैं आपके लिए 56 पकवान बना दूंगी, 56 भोग बना दूंगी, अचानक से निकल जाओ घर से, खुद जाके बाहर खा के आ जाना. वेल यू नेवर नो वाई. तो आप उनको ये कहने की जगह कि तुम बहुत चिड़चिड़ी हो, बहुत अनोइंग हो, आप कह सकते हैं वाई आर यू सो कैप्रिशियस टुडे. कैप्रिशियस का मतलब हो जाता है घड़ी घड़ी मूड बदल रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं किसी को फटाफट से, कभी खुश तो कभी एकदम नाराज और अंगारे बरस रहे हैं. So just use these words with the suitable people. Well, the next word that we have is one such thing जो आप लोगों ने कई दफ़ा किया होगा. अपने घर वालों को बताते होंगे कि हम तो बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप सीक्रेटली टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं. तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जो कि दिखने में लगता है कि बड़ी यूजफुल हैं, बहुत यू नो हमें इनसे मदद मिलने वाली है, बट इवेंचुअली दैट इज जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. ऐसी चीज़ों के लिए एक बहुत ही क्यूट वर्ड है बूंदोगल. What do we call it? Spelling देखिए, boondoggle. So now again, just pronounce it together, boondoggle. Well, इस word को आप sentence में कैसे use कर सकते हैं? Of all the meetings I have attended this year, this one was the biggest boondoggle. यानी कि जितनी भी meetings मैंने इस साल करी हैं, ये वाली जो थी ना, ये सबसे बड़ा waste of time था. दिख रहा था कि useful है, पर निकला क्या? Waste of time. Start using these words. The next word that we have is sycophant. Well, sycophant कौन होता है? चापलूस. अरे भाई तुम तो क्या handsome हो भाई, भाई तुम्हारा अलग जलवा है, swag है, तुम्हारी bike पर मतलब मज़ा आ जाता है. क्यों करते हैं वो लोग ऐसा? ताकि आप अपनी bike निकालिए, आप petrol डलवाइए, अपने पैसों से चाय पिलाइए, ऐसे लोगों से सबसे पहले दूर हो जाइए और उनको बता दीजिए dude you are a sycophant. स्पेलिंग देखिए, साइकोफेंट मत बोलिएगा, सिकोफेंट होता है. सिनोनिम हो सकता है फ्लैटरर या फिर एक फॉनर. एंड अगेन एग्जाम्पल के रूप में मैं इसको कैसे यूज करूंगी, द फर्स्ट पर्सन दैट यू नीड टू मेंटेन डिस्टेंस विद इज अ सिकोफेंट. यानी कि जो पहला इंसान जिससे आपको दूरी कर लेनी भैया, वो कौन है? एक सिकोफेंट. चापलूसों से दूर रहें. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज परफंक्ट्री. परफंक्ट्री अगेन, परफंक्ट्री का क्या मतलब होता है? जब कोई भी काम बस बिना किसी उत्साह के, बिना किसी इंटरेस्ट के आपने कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से द केयरटेकर ऑफ द फ्लैट डिड ऑल द टास्क परफंक्टरली. परफंक्टरली यानी एक परफंक्ट्री मैनर में, ही जस्ट डिड नॉट लुक इंटरेस्टेड. यानी उसका काम में कोई मनसा नहीं दिख रहा था मुझे. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज कैच 22. ये वाला बड़ा ही मजेदार वर्ड है यार. आप भी बताना कि आपकी लाइफ का कैच 22 क्या है. मेरी लाइफ का कैच 22 है वर्क. करोगे तो भी रोगे, नहीं करोगे तो भी रोगे, राइट? सो कैच 22 का मतलब ही ऐसा होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको तुम करो भैया तो भी नुकसान है, ना करो तो भी नुकसान है. अब वर्क को करने का क्या नुकसान है कि सोने को नहीं मिलता, छुट्टी मनाने को नहीं मिलता, घूमने को नहीं मिलता. और ना करने का क्या नुकसान है? छुट्टी मनाने को नहीं मिलेगा, घूमने को नहीं मिलेगा और सोने को भी नहीं मिलेगा. तो आप देख सकते हैं, करोगे तो भी पछताओगे, नहीं करोगे तो भी पछताओगे. ऐसी चीज़ों को आज से आप बोलोगे कैच 22. वेल
यू कैन से टू मेक मनी यू नीड टू हैव मनी. दिस इज अ कैच 22, राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज क्वागमायर. क्वागमायर का मतलब होता है या तो दलदल, आप कह सकते हैं जो भी मार्शी लैंड्स होती हैं, दलदल समझ गए ना, या फिर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन स्पेशली फाइनेंशियल. फॉर एग्जाम्पल आई'ड से इफ टॉम डज नॉट स्टार्ट सेविंग राइट अवे ही इज गोइंग टू बी स्टक इन वन हेल ऑफ अ क्वागमायर. यानी कि अगर वो अभी से सेविंग नहीं शुरू कर देगा तो वो कहाँ फंस जाएगा, एक डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन में, विच इज कॉल्ड अ क्वागमायर. फाइनली हमारा लास्ट वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन. कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या हो जाता है, जो हम जनरली कहते नहीं रहते हैं एंग्जाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, उसकी जगह से आज आप जरा यूज कर लीजिएगा भैया कॉन्स्टर्नेशन. कॉन्स्टर्नेशन का आप कैसे यूज कर सकते हैं कि कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो गई जिसकी वजह से आपको बड़ी चिंता हो गई, परेशानी हो गई, तो आप इसको सेंटेंस में कह सकते हैं टू माई कॉन्स्टर्नेशन माई कार जस्ट डिड नॉट स्टार्ट. भाई एंग्जाइटी नहीं होने लगी कि तुम वैसे ऑफिस के लिए लेट हो और जब जैसे गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई तो क्या होगा, आपको चिंता हो जाएगी. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है. अगर वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रा अपने दो चार दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो उन्हें भी पता चल जाएंगे ये अच्छे वर्ड्स. और हाँ, अपना फेवरेट वाला कॉमेंट सेक्शन में भी मुझे बता दीजिएगा. थैंक यू सो मच. टाटा बाय.